नवमः पाठः कारकपरिचयः क्रियान्वयत्वं कारकम्। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। रोहनः पठति, रोहनः पाठं पठति, रोहना मनसा पाठं पठति, रोहना मनसा ज्ञानाय पाठं पठति, रोहनः मनसा ज्ञानाय आचार्यात् पाठं पठति। उपर्युक्त वाक्यों में पठति क्रिया है। इस क्रियापद से विभिन्न प्रश्न जोड़कर देखें। प्रश्न, कौन पढ़ता है? उत्तर, लड़का, संस्कृत बालकः। क्या पढ़ता है? पाठ, पाठम। कैसे पढ़ता है? मन से, मनसा। किस लिए पढ़ता है? ज्ञान के लिए, ज्ञानाय। किससे पढ़ता है? आचार्य से, आचार्यात्। कहाँ पढ़ता है? विद्यालय में, विद्यालये। किसी न किसी रूप में पठति से संबंध है या नहीं? संबंध बालकः से है, इसलिए बालकः कर्ता कारक है। संस्कृत भाषा में जिन पर सर्गों या चिन्हों में कारकों को व्यक्त किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। इन्हीं के आधार पर विभक्ति एवं रूप बनते हैं। संस्कृत में कारक और उनकी विभक्तियां इस प्रकार होती हैं। कारक का नाम कर्ता, विभक्ति प्रथमा, चिन्ह ने, प्रयोग क्रिया को करने वाला, कर्म द्वितीया, को जिस पर क्रिया का प्रभाव फल पड़े, करण तृतीया, से के द्वारा जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाए, संप्रदान चतुर्थी, को के लिए जिसके लिए क्रिया की जाए, अपादान पंचमी, से अलग होना, जहां से अलग होने का भाव हो, संबंध षष्ठी, का के की अथवा रा रे री, जिस व्यक्ति वस्तु या स्थान से संबंध बताया जाए, अधिकरण सप्तमी, में पर जिस स्थान पर क्रिया हो, संबोधन हे अरे रे भो, पुकारना आवाज देना। वस्तुतः संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। संबंध और संबोधन में संस्कृत कारक नहीं होते क्योंकि ये क्रिया शब्दों के साथ संबंध नहीं जोड़ते, यथा रामस्य भ्राता लक्ष्मणः, राम का भाई लक्ष्मण, इस वाक्य में क्रिया है ही नहीं। इसी तरह हे राम, इस वाक्य में भी क्रिया नहीं है, किंतु कारक विभक्ति के रूप में षष्ठी विभक्ति या संबोधन प्रथमा का प्रयोग होता है, अतः इन्हें भी जानना आवश्यक है। शब्दकोश, बालक अकारांत पुल्लिंग, विभक्ति प्रथमा, एकवचन बालकः, द्विवचन बालको, बहुवचन बालकः, द्वितीया बालकम्, बालको, बालकान, तृतीया बालकेन, बालकाभ्याम बालकः, चतुर्थी बालकाय, बालकाभ्याम बालकेभ्यः, पंचमी बालकात्, बालकाभ्याम बालकेभ्यः, षष्ठी बालकस्य, बालकयोः, बालकानाम, सप्तमी बालके, बालकयोः, बालकेषु, संबोधन हे बालक, हे बालको, हे बालकः, विशेष देव, राम, बाल, छात्र, नर आदि अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप बालक की तरह चलेंगे। लता अकारांत स्त्रीलिंग, विभक्ति प्रथमा, एकवचन लता, द्विवचन लते, बहुवचन लताः, द्वितीया लताम, लते, लताः, तृतीया लतया, लताभ्याम, लताभिः, चतुर्थी लताये, लताभ्याम, लताभ्यः, पंचमी लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः, षष्ठी लतायाः, लतयोः, लतानाम, सप्तमी लतायाम, लतयोः, लतासु,
संबोधन हेलते हेलते हेलता हा। फल अकारांत नपुंसक लिंग विभक्ति प्रथमा एकवचन फलम द्विवचन फले बहुवचन फलानि द्वितीया फलम फले फलानि तृतीया फलेन फलाभ्याम फलेभ्यः चतुर्थी फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः पंचमी फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः षष्ठी फलस्य फलयोः फलानाम सप्तमी फले फलयोः फलेषु संबोधन हे फल हे फले हे फलानि।